भाई मुझे पर्सनली, मुझे और मेरी फैमिली को बहुत खुशी है क्योंकि हम लोग इनके साथ काफ़ी सालों से एसोसिएटेड हैं। जन्नत वॉज वेरी स्मॉल कुलवा के अंदर, इवन अयान ने भी इनके प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं और मैं तो यही चाहूँगा अभी 11 में आया हूँ, फिर 22 में आऊँ, फिर 23 में आऊँ, ऐसा आता रहूँ बस वास्ते। हाँ यार, बहुत कुछ सीखा और पुलवा ने एक्चुअली में बहुत कुछ सिखाया और उस टाइम पे आई थिंक लॉन्गेस्ट रनिंग शो रहा होगा डेडी पुलवा, सबसे ज़्यादा चला और है ना, आज भी सबसे ज़्यादा, और आज भी लोग मुझे पुलवा के नाम से पहचानते हैं, मतलब इतने सालों के बाद भी। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इतने बचपन से स्वास्थ्य के साथ एसोसिएटेड थी और फुलवा ने काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई हैं, काफ़ी कुछ करने मुझे मिला फुलवा के अंदर, काफ़ी चैलेंजिंग रोल था। और हाँ, आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने सक्सेसफुली 11 साल कंप्लीट किए हैं एंड एज डैडी सेड आई विश कि मैं ऐसी हर 10 साल के गैप में आऊँ इनके साथ सेलिब्रेट करने के लिए। पर्सनली सिद्धार्थ जी और राहुल जी बहुत अच्छे हैं जो कि आपके बहुत ही केयर करते हैं, अपने आर्टिस्टों की बहुत केयर करते हैं, सारे आर्टिस्टों की केयर करते हैं। इनफैक्ट मुझे याद है अभी आपने बोला था, एक इंसिडेंट याद आया कि जब हम लोग फुलवा कर रहे थे तो उस टाइम जस्ट सेट पे नॉन वेज नहीं आता था और काफ़ी दिन के बाद फिर जन्नत ने ऐसा बताया कि सर वो नॉन वेज नहीं आता है और वो मतलब इन्होंने अच्छा इनिशिएटिव लिया और नेक्स्ट डे से और आना शुरू हो गया था हम लोग के सेट के ऊपर। तो पर्सनल लेवल के ऊपर वो बहुत अच्छे हैं और प्रोफेशनली तो खैर हैं ही अच्छे एंड ही केयर्स अ लॉट द आर्टिस्ट। वो बहुत अच्छी लग रही हैं। अभी डैडी मम्मी की करेंगे या आप भी करेंगे? ये बहुत अच्छी लग रही हैं, वेरी गुड, एकदम क्यूट सी। ओके, तो अभी मैं सबको मैं नीचे से स्टार्ट कर रही थी, आप मैं ऊपर से गिरती हूँ। सो आई एम वेयरिंग दिस जैकेट, द डेनिम जैकेट, आई एम वेयरिंग अ क्रॉप टॉप, आई एम वेयरिंग दीज डेनिम्स जो नीचे से थोड़ी अलग है, आई एम वेयरिंग दीज ट्रांसपेरेंट हील्स एंड देन आई एम कैरिंग दिस स्लिंग एंड आई हैव टाइड माय हेयर, एनीवन यू वांट टू नो द लिपस्टिक शेड आई कैन से दैट। हाँ, कलर्स भी तो लगी है। अभी आपने मुझे फुलवा में ऐसे देखा था, अब आप मुझे ऐसे देखते हैं और इतने साल के गैप में इतना सारा आपने मुझे प्यार दिया और अभी भी दे रहे हैं, सो थैंक यू सो मच। मेरी आदत भी बिगाड़ने के लिए बचपन से पंक्ति में बहुत रोता हुआ देखते हैं, एक एक बिचारी लड़की। अभी बचपने में बंदूक उठवा दी तो आप रुलाते हैं, कोई बात नहीं, पर प्यार ऐसे ही देते रहिए और हाँ बस थैंक यू। अगली बार बंदूक चला ही देगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीबॉडी, बाय।